दोस्तों आईसीसी ने कर दी है बड़ी मांग। जी हाँ, आईसीसी जो टूर्नामेंट करा रही है वर्ल्ड कप का, उसने कर दी है बड़ी मांग। वो चाहती है किसी भी तरह पाकिस्तान आ जाए इस सेमीफाइनल में। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच कराना चाहती है सेमीफाइनल या फाइनल, वो चाहती है पाकिस्तान की टीम किसी भी तरह बाहर ना हो। उसने जय शाह से बात की है आईसीसी ने, और अब वो लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। जी हाँ, ज़का आलम जो वहाँ के पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन हैं, वो और जय शाह मिलकर कुछ आईसीसी के साथ ऐसे नियम बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आ जाए और इस वर्ल्ड कप से बाहर ना हो। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहती है इस टूर्नामेंट से, वो चाहती है किसी भी तरह। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत ये दो ऐसी टीम्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देती हैं आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है। जितना मैच भारत में और पाकिस्तान में देखा जाता है, उतना विश्व में कहीं नहीं देखा जाता। पाकिस्तान के वसीम अकरम ने तो कह दिया है कि अगर हम बाहर हो गए तो हम आईसीसी को भी बाहर कर देंगे। दोस्तों ये वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल आईसीसी चाहती है।